तो दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शादी का सीजन चल रहा है और हाल फिलहाल में हुई राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शादी रचा ली और इनके शादी के बाद कटरीना कैफ और विकी कौशल ने भी राजस्थान में शादी कर ली और इनके शादी के फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2022 की शुरुआत से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई जोड़ियां शादी रचाने वाली हैं? जी हाँ, तो आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो कौन सी जोड़ियां हैं जो साल 2022 में शादी रचाने वाली हैं? चलिए बिना वक्त जाया करें वीडियो स्टार्ट करें और रूबरू होते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन हिट जोड़ियों से जो साल 2022 में शादी रचाएंगे। एक, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। इस लिस्ट के पहले ही नंबर पर नाम शुरू होता है अभिनेत्री आलिया भट्ट और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर का, जिन्होंने हाल ही में 14 अप्रैल को शादी कर ली है। जी हाँ, ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के बाद साल 2022 की शुरुआत में ही रणबीर और आलिया ने एक दूसरे से शादी करने के बारे में फैसला कर लिया। दो, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा दोनों डेट कर रहे हैं और मलाइका पहले से ही शादीशुदा है। इनके पति सलमान खान के भाई अरबाज खान थे और इनका डिवोर्स भी हो गया है। और जब मलाइका अर्जुन कपूर को डेट कर ही रही हैं, तो बताया जा रहा है कि ये दोनों 2022 में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तीन, विद्युत जामवाल और नंदिता महतानी। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल ने अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए जाने जाते हैं और विद्युत मुंबई की फैशन डिजाइनर नंदिता को डेट कर रहे हैं और इन्होंने 1 सितंबर 2021 को एंगेजमेंट कर ली थी और अब 2022 में दोनों शादी भी करने वाले हैं। नंबर 4, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी। एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा की जोड़ी किसी से छुपी नहीं है। दोनों ब्यूटीफुल कपल हैं। पार्टी हो या डिनर डेट, किसी मूवी के ट्रेनिंग हो या फिर कोई वेकेशन, हमेशा दोनों साथ साथ नजर आते हैं और दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं कि फैंस भी इन दोनों को शादी के बंधन में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और क्या पता ये साल फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आए। नंबर 5, कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा कायरा अडवाणी और सिद्धांत मल्होत्रा काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ लिए हैं, तो दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया है और ये दोनों साल 2022 में ही एक दूसरे से शादी रचा लेंगे। 6, आमिर खान और फातिमा सना शेख। हम जानते हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री फातिमा सना शेख का जब एक दूसरे से शादी रचाने वाले हैं, इसके उड़ती उड़ती खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी गर्लफ्रेंड फातिमा शेख से साल 2022 के शुरुआती महीनों में हो सकती है। 7, फरहान अख्तर और शिवानी दानितकर। फरहान और शिवानी के अफेयर के चर्चे पूरे सोशल मीडिया पर थे। दोनों काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। आपको बता दें कि फरहान की ये दूसरी शादी है। साल 2000 में फरहान ने शादी की ब्रिटिश हेयर स्टाइलिश अधुना भावनी अख्तर से। उनके साथ उनकी दो बेटियां भी हैं, साकिया अख्तर और अखीरा अख्तर। लेकिन 2017 में उनका दिवस हो गया था। 8, श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा। फरहान अख्तर के ब्रेकअप के बाद श्रद्धा बॉलीवुड की फेमस फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ हैं और दोनों की शादी को लेकर श्रद्धा कपूर के बाबा शक्ति कपूर भी मंजूरी दे चुके हैं और दोनों इस साल कभी भी शादी करके अपने फैंस को सरप्राइज कर सकते हैं। 9, अली फजल और ऋचा चड्ढा। अली और ऋचा की शादी का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कपल अपनी वेडिंग प्लान्स पोस्टपोन पर पोस्टपोन किए जा रहे हैं। पर हाल ही में एक इंटरव्यू में अली ने बताया कि दोनों की साल 2022 में शादी करने का प्लान है। 10, अथिया शेट्टी और केएल राहुल। अब इंडियन क्रिकेट टीम का ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल का नाम इस लिस्ट पर जुड़ा हुआ है। केएल राहुल और अथिया शेट्टी के अफेयर के चर्चे पहले काफी समय से चर्चा के विषय बने हुए हैं। दोनों एक साथ अक्सर वेकेशंस पर स्पॉट किए जाते हैं। बता दें, केएल राहुल अथिया शेट्टी अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और आपको बता दें, अथिया शेट्टी और केएल राहुल की पहली मुलाकात के बारे में बताया जाता है कि दोनों कॉमन सेंस के जरिए मिले थे। ये भी नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ छुट्टियां मनाने भी गए थे।